नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पंचायत चुनाव में एक युवा को प्रधान प्रत्याशी का वोट ना देना भारी पड़ गया। दबंगों ने उसके साथ हॉकी और डंडों से मारपीट कर दी। जिन दबंगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कुछ दिनों पहले थाना उल्दन में साड़ी बांटने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है। बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने से उसके हौसले बुलंद हैं। थाना उल्दन के ग्राम पंचायत निमोनी के रहने वाले कमलेश ढीमर पुत्र मन्नू ढीमर एक गरीब मजदूर व्यक्ति है। वो गुम्मा बनाने का कार्य करता है। वो व्यक्ति काम करने के लिए ग्राम रतौसा गया था, तभी पहले से घात लगाए हुए रतौसा निवासी कृष्णकांत नामदेव बल्ली और निमोनी निवासी पुष्पेंद्र पुत्र जगन्नाथ ने कमलेश को पकड़कर गाली गलौज की और कहा कि तूने मेरे प्रत्याशी को चुनाव में वोट नहीं दिया, तुझे जान से मार देंगे। और उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर रतौसा स्थित एक मोबाइल टावर पर ले जाकर उसके साथ हॉकी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे उसका सर फट गया। उसके हाथ पैरों में भी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित कमलेश ने थाना उल्दन में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मनु ना है, हम यहाँ से गए, आप कहता कि फिर नदी के पास मुन गए, वो चेक डम बनी है वहाँ गए, ये आप धोखे में भी लुआ गए, बोले आप बैठा। कौन कौन ले गए? कल्लू और बल्ली था वहाँ, जे लुआ गए। हम वहाँ पहुँचे टावा के पास, सो हम टावा के पास बोले कुछ ही डाल रहा, बोले पेप्सी पी लूँ, हमने पेप्सी नहीं पीना है। तो इनने हॉकी उठाई, जो हमने समझ गया हॉकी के बीच में, तो हमने सोची कि इसमें मारना है, तो उसने पहले हमें मुड़ी में मारा है हॉकी से। हमने कोशिश की तो एक गेट पर नुगल गया पाई, तो उसने नुगज जय मारा है, था इसमें दूसरे हाथ में बॉन्डी पाया तो उसने मारा। तो किसने किसने हॉकी मारी? बल्ली ने, बल्ली ने मारी, बल्ली ने हॉकी मारा। तो हम इस पे बिरवाई मोहन तीन चार बिरवाई मोहन ने कहा कि नदी के पास पहुंचा हूं, तो मैंने आपके यहां कैथा के पास आया, फिर हमने घर सेट बल्ली, हमने किसी को घर नहीं बताया है। फिर पुलिस के पास गए? आप मिश्रा जी के पास गए, तो हमने मिश्रा जी थाने गए, तो आप मिश्रा जी गए। आज दोपहर मुझे पता चला करीब 3 बजे कि मेरे गांव के ही कमलू सनो मन्नू ढीमर निवासी निमोनी के साथ रतौसा के रहने वाले कृष्ण कुमार उर्फ बल्ली निमोनी का एक लड़का था, जो लोग उसे लेके रतौसा स्थित टावर पे लेके गए और उसके साथ मारपीट की। जब वो मेरे पास आया तो हम लोग उसे लेके थाना उल्दन गए, उसकी तहरीर देके उसकी मेडिकल जांच कराने के लिए बंगरा गए। बंगरा जांच करा के उसको लेके मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई वहाँ पे,